हिंदू धर्म में रुद्राक्ष धारण करने का काफी बड़ा महत्व है, लेकिन इसे कब धारण करना चाहिए? आइए उज्जैन के ज्योतिष आचार्य से जानते हैं विस्तार से। रुद्राक्ष भगवान शिव के प्रिय रत्नों में एक सर्वश्रेष्ठ, भगवान को प्रिय मोती या भगवान का प्रिय गहना समझें। रुद्राक्ष नाम से ही पता चलता है, भगवान रुद्र के अक्ष से जो बिंदु उत्पन्न हुआ उसे ही रुद्राक्ष नाम दिया गया। भगवान शिव का अश्रु ही रुद्राक्ष बना। वह रुद्राक्ष धारण करने का परम पवित्र अवसर श्रावण मास प्रारंभ हो चुका है। यदि आप रुद्राक्ष पहनने के इच्छुक हैं या पहनना चाहते हैं तो इस शुभ अवसर पर श्रावण महीने में किसी भी शुभ तिथि पर, शुभ अवसर पर सोमवार के दिन या मासिक शिवरात्रि के दिन या भगवान शिव के प्रदोष में यह रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष धारण करने के लिए सबसे पहले विभिन्न रुद्राक्षों में से कोई एक जो आपको उचित है या किसी गुरुजन की सलाह से एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक में जो रुद्राक्ष आपको सहजता से प्राप्त हो और जो आपके लिए अत्यंत लाभदायी हो वैसा रुद्राक्ष आप धारण करें। रुद्राक्ष लेकर के उसे गंगा जल में, कच्चे दूध में, फिर गंगा जल में शुद्ध करके स्नान कराने के पश्चात भगवान शिव जी से स्पर्श कराएं। ओम रोम नमः या ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र से उस रुद्राक्ष का पूजन करें। गंध पुष्पाक्षत आदि से भगवान शिव के समीप रख करके रुद्राक्ष का पूजन करें। लाल धागे में अथवा चांदी में यह रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष को धारण करने से कई प्रकार की समस्याओं का समाधान होता है। विशेष करके श्रावण महीने में रुद्राक्ष धारण करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, इसलिए सनातन धर्माविलंबियों को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। जय श्री महाकाल।